मेरी मम्मी से बहस हो गई थी कल, मेरी और मम्मी की लड़ाई मम्मी हो गई थी, तो मेरी मम्मी कल बेचारी आ मैं चक्कर में भूखी सो यार। मैं कह रहा हूँ जुवारी मम्मी ने पत्थर के पत्ते उनके चक्कर में मामा डचड़ दिया उसमें चंदर में। हम हमारा कर रहे हैं बढ़िया से काम, मतलब हम बढ़िया से कर रहे हैं काम, नॉलेज नहीं है हमें भी, बाकी हम भी सीख रहे हैं। सारे जने जो ब्लॉग देखते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। आज सच्ची सच्ची बता दो यार, कौन करता है किसको परेशान? मेरी कसम खा के बता दो कौन करता है परेशान। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इतना जोर से चिल्ला के व्लॉगिंग कर रहा हूँ ताकि इनका ध्यान जाए, बाकी ध्यान नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ अभी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो अभी? अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरे को नंबर नहीं मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाई जस्ट अभी ऑफिस से आकर जस्ट देख भी नंबर सेव। मैं कह रहा हूँ सुनो मेरी बात, अरे सुनो ना, अभी आऊँगा जिम से, याद दिलाना, फ़ोन में ट्रू कॉलर डालना है, डाल दूंगा, फिर उससे तुम्हें पता लग जाएगा किसका फ़ोन आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, मतलब नाम वगैरह सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तभी मत परेशान हो ना यार मम्मी, मालूम है कि ठीक है तुम पाँचवीं फेल हो, पाँचवीं फेल हो, पहली भी नहीं पढ़ी मेरी मम्मी का टोटल अनपढ़ है। फिर भी फ़ोन कौन सा चला रहा है फिर भी दिखा दो। एंड्रॉइड देख रहे हो तुम, अनपढ़ इंसान भी वो चला रहे हो स्क्रीन टच फोन इंग्लिश में। लोग मानने को तैयार नहीं कि भाई तुम्हारी मम्मी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मेरी मम्मी पहली भी नहीं पढ़ी, पहली है ना कि पहली पढ़ी है। मेरी मम्मी ना रखती नहीं थी, मेरी मम्मी उनके छोटे भाइयों को खूब मारती, दे थप्पड़। मेरी मासी को यार निशान कर दिया, मेरे मामा को एक बार चद्दर में घुसा दिया था। देखो मामा रो रहा था, छोटा सा था, एक बार की स्टोरी मेरे को बताई थी इन्होंने कि वो ना रो रहा था और चुप नहीं हो रहा था, तो मैंने ना उसका सर कहाँ कूट दिया था, चद्दर में कूट दिया था। बाप रे भाई, भाई मैंने 2 साल के मामा को चद्दर में घुसा दिया। मैं कह रहा हूँ जुवारी मम्मी ने पत्थर के पत्ते उनके चक्कर में मामा डचड़ दिया उसमें चद्दर में। भाई ऐसी ऐसे किस्से हैं, ऐसी ऐसी कहानी है तुम्हारे भाई के पास, क्या होगा। और अरे यार इतना क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ 25,000 है वो, 500 अलग है तुम्हारे, ठीक है भाई। बाकी अभी जस्ट जिम जाने के लिए जिम जा रहे हैं अभी। और मैं कह रहा हूँ यार मम्मी तुमने चाय नहीं पिलाई मेरे को। भाई अच्छा एक बात बता दो, कल वाली, कल मेरी मम्मी से बहस हो गई थी, कल मेरी और मम्मी की लड़ाई हो गई थी, तो मेरी मम्मी कल बेचारी आ मैं चक्कर में भूखी सो यार, गलती हो गई, चलो माफ कर दो मेरे को। मैं कह रहा हूँ क्या खाओगे वो खिला देता हूँ ना आज, माफ वो कड़ी चावल भाई, आज तो कड़ी चावल नहीं, माफ वो मेरे को पछतावा हो रहा, मेरे को माफी दे दो, उसके चक्कर में मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ बढ़िया सा, अगर आज तुम्हारा उपास है तो। बाकी तुम्हें कड़ी चावल खाना है कोई नहीं, तुम कड़ी चावल वगैरह खाओ भाई, कल गलती हो गई ऐसे ही आके, थोड़ा यहाँ पे प्रेशर था दिमाग पे, तो उस चक्कर में मम्मी से हो गई लड़ाई मेरी, मम्मी नाराज़ होके सो गई और मेरे को लगा मम्मी खाना खा के सो गई, और मैं आके मेरा काम करने लग गया और मैंने रात को चुपचाप से खाना खा लिया, मेरे को पता ही नहीं लगा कि मम्मी भूखी सोई थी। मम्मी ने मेरे को आज कही, आज सुबह भी नहीं कहा, आज कहा कि कल ऐसा ऐसा हुआ था, बाकी आज मेरा उपास है तो जल्दी खाना बना के मैं खाऊँगी। अब भाई मम्मी तो खा लेगी, हम ज़रा मेहनत करके आते हैं उधर से। भाई मेरी बात सुनो, जो हमें देख के यूट्यूब पे आए थे ना काम करने, बत्ती दे दो यार मेरी, खाने के लिए कहाँ है इसमें, मैं कह रहा हूँ एक मिनट ना, जरा भूखा आदमी हूँ कुछ खाने को नहीं खा रहे, इसको इतनी संभाल के क्यों रखी है। कर देता हूँ अगर निकल ही नहीं रही, ज्यादा खा लू सर्दी तो नहीं हो जाएगी है, हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ भाई मेरी बात सुनो,
जो हमें देख के YouTube पे आए थे काम करने के लिए। तो कल उन्होंने जितना काम करना था अब उनसे काम नहीं हो पा रहा। रीच करके आए थे कि हम ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अब उनका रियल नॉलेज पता लग रहा है 2 साल का। कहता हुआ 2 साल का नॉलेज है, हमने ये करा वो करा, अब उन्हें वीडियो डिलीट करनी पड़ जा रही है। वीडियो बना के डाल दी, कुछ होगी दिक्कत, वीडियो डिलीट कर दी। यही था भाई 2 साल का नॉलेज। हमसे आ रहे थे कंपटीशन करने के लिए, वैसे हम तो कंपटीशन के लायक भी नहीं है। हमसे क्यों कंपटीशन करना, हम तो छोटे मोटे क्रिएटर हैं। हम हमारा कर रहे हैं बढ़िया से काम, मतलब हम बढ़िया से कर रहे हैं काम। नॉलेज नहीं है हमें भी, बाकी हम भी सीख रहे हैं और नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी वीडियो डिलीट नहीं करनी पड़ती हमें। मजाक में बोल रहा हूँ सारी चीज़ें, सीरियस मत ले लेना, नहीं तो वो एक कॉन्ट्रोवर्सी छिड़ जाएगी, फिर इधर से वीडियो बनाना पड़ेगा, फिर वो वीडियो बनाएगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर अपने नॉलेज लो, फिर काम करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर डालो। हर चीज़ का कानून है भाई, समझ रहे हो ना। मेरी पब्लिक को नहीं कह रहा हूँ मैं, जिसको मेरे को कहना था मैंने बोल दिया कि बराबर अपने प्रॉपर नॉलेज लो, उसके बाद काम करो, कंपटीशन में आने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना भाई। बाकी तो अपनी खाने के बाद बर्फी बर्फी चल रही है, 2 दिन बाद गला सही हुआ, वापस से ये मीठा मीठा खाना चालू। अभी खाना खा डस्ट तो मैंने, उसके बाद एक गजक अलग डेढ़ ली, उसके बाद एक बर्फी अलग डेढ़ ली, दोनों चीज़ें डेढ़ ली। मैं कह रहा हूँ मैंने गजक भी खा ली, किसके लिए रखी थी मम्मी, ध्यान रखती मेरा प्रॉपर। जिम से आया तो रोटी भी नहीं बनाई मैंने, कहा 4 बार जब रोटी बना के खिलाई। ये सीन चलता हमारे का, ये इंसान मेरे को चैन से जीने नहीं देगा यार, क्यों इतना परेशान करती हो मेरे को। शेयर चैट फिर फेसबुक क्रिएटर फिर इतनी डालना यार, चल तो रहा है सब बढ़िया। यूट्यूब भी है ना, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम थोड़ी है तुम्हारा, नहीं अरे नहीं थी, फेसबुक आईडी थी वो तो, फेसबुक आईडी कर तो फेसबुक से क्या काम है, मुझे उस पर वीडियो देखते थे कि इसने ये कहा। फेसबुक पे देखना है कि इसने ये डांस करा, उसने ऐसा डांस करा, ये सारी चीज़ें देखना है ऐसा। भाई इसमें अभी चल रही है ट्रू कॉलर, डाउनलोड करके देना पड़ रहा मम्मी को, क्योंकि अनपढ़ इंसान है, इन्हें नाम समझ नहीं आते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं चलाना अपने को, बढ़िया अपना मोबाइल वोबाइल चलाओ। क्या रखा है इन सब में, 5:30 बजे का अलार्म होता है, 5:30 बजे सब मैं ही कर दूँ यार, मेरा कल कौन ध्यान रखेगा। एक दिन तो सुबह तो टिफिन बना ही जाऊंगा, एक दिन मेरा कौन ध्यान रखेगा। और किसका कॉल आता है नंबर के लिए दिन में, आधे एक तो 1 बजे हाँ नंबर सेव करना है, और एक 6 बजे का करीब ऐसे नंबर याद रखते कि एक फोन आया था 1 बजे, एक फोन आया था 6 बजे, वो टाइम के हिसाब से देखना, उस समय जाके देखना किसका नंबर था, उसको फिर बताएंगे कि ये इसका नाम था, ऐसे सेव करना है नंबर। वाह वाह ज्ञानी लोग वाह, 1 बजे वालों को बताइए नंबर दे, एक सेकंड यार मम्मी किससे पैसे लेना है। गाइस इतना परेशान करते ना मेरे को यार, ऑफिस के काम के बाद भी मेरे घर में एक इंसान ये जो मेरे को चैन से नहीं जीने देता। और तुम सब सारे जने कहते हो ना जो ब्लॉग देखते हैं, इधर इधर सुन लो, पहले
सारे जने जो ब्लॉग देखते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। आज सच्ची सच्ची बता दो यार, कौन करता है किसको परेशान? मेरी कसम खा के बता दो, कौन करता है परेशान? नहीं सही बताओ ना। सही बताए मोबाइल खराब कर दिया और मैं रोज करता हूँ परेशान। भाई इंसान इतना झूठा पटक देता ना क्या ही बोलूँ अब मैं, इतना झूठा पटक देता ना सही इंसान को। हाँ मेरी बात सुनो सुनो सुनो, इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ। झूठ के पैर नहीं होते, वो ज़्यादा दिन तक चल नहीं सकता, ये ध्यान रखना ठीक है ना। सच्चाई के होते पैर, सच्चाई चलती है ज़्यादा दूर तक, देख। और झूठ के पैर नहीं होते। हाँ क्या देखो, भगवान मालूम किसका है, अब मैं करूँगा मेरा काम। चलो चले आओ, जाओ मेरे बेडरूम से निकल जाओ यहाँ से जल्दी से। बाकी भाई अब ये चीज़ें इतना परेशान करते मेरे को, बाकी ठीक है मैं कर देता हूँ कि हाँ चलो यार कर देते। बाकी अभी जा रहा हूँ मैं छत पे वॉक करने के लिए, क्योंकि ये ना ये भाई बहुत निकल रहा है बहुत, अभी तो मैं दिख नहीं रहा होगा अपर के अंदर। बाकी खा के मैं बैठ जाता हूँ, मेरी सिटिंग जॉब है तो मैं कह रहा हूँ मेरी सिटिंग जॉब है तो मैं क्या करता हूँ खाना खा के दोपहर में बैठ जाता हूँ, शाम को खाना खा के यहाँ जो पीछे ना इस पर लेट जाता हूँ, तो मेरा पेट निकल रहा ज़्यादा, तो जिम में वर्कआउट भी मैं हार्ड वर्क वाला करने लग गया हूँ। बाकी खाना वाना खा के अनीता वो दूसरा लगेगा ना, ये वाला देखो ना, ये सबसे ऊपर वाला, ये वाला, ये येलो कलर वाला। बाकी मैं क्या करता हूँ अब खाना वाना खा के ऊपर चलने के लिए चले आता हूँ, अभी जा रहा हूँ ऊपर जरा वॉकिंग वॉकिंग करूँगा, ताकि ये जो ना मेरा पेट प्यारा सा पेट भयू सा पेट मेरा सही हो जाए। बाकी भी जाता हूँ ऊपर, ठीक है गाइस।